हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू यू। और आप लोगों के घर पे माता दुर्गा की आशीर्वाद हमेशा बनी रहे। और यहाँ मैंने सवेरे उठ के पूजा भी कर लिया, दुर्गा पाठ भी कर लिया, उसके बाद जो है ब्लैक टी बना ली खुद के लिए। और थोड़ा सा जो है हाथों पर लिबम टियर हुआ था, उसकी वजह से काम करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही, फिर भी मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन की डोसा ब्रेकफास्ट में। और इसके लिए मैंने लिया यहाँ पे एक कप जो है बेसन, आधे कप जो है सूजी, और सूजी के बराबर जो है दही लिया है मैंने। और इसमें थोड़ा सा जो है नमक, हाँ थोड़ा सा जो है चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। पानी मिला दूंगी। और इस तरह की डोसा जो है हम लोग उपवास में भी खा सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ बेसन और सूजी मिलवाया है और दही, और उसके साथ जो है नमक के जगह पर सादा नमक डाल सकते हैं। और मैंने घी में बनाया है, और इसके साथ जो है टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी में जो है खड़ा जीरा और थोड़ा सा टीमूर और मिर्च डाल के मैं बनाई हूँ। और ये डोसा ना बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड। और इसका कलर जो है दिखने में बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर सा बन जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने ऊपर से जो एक साइड में मैंने घी लगा दिया, और इस तरह से बनाने से बहुत ही अच्छी तरह से बन जाती है। अर्स बना रहा है चाय। सवेरे उठने के बाद जो मेरा हाथ बहुत दर्द करता है, इसलिए मैं सवेरे जो है ये बांध के चलती हूँ और काम भी करती हूँ एक हाथ से, लेफ्ट हैंड से। और बाद में बहुत देर तक बांधते रहने से तो बहुत इरिटेट हो जाता है, फिर खोल के मैं रख देती हूँ। इस तरह से मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था एक महीने तक लगाना है बोल के, बट मैं लगा नहीं पा रही हूँ। कभी कभी कुछ टाइम लगाती हूँ, कुछ टाइम जो है मैं खोल के रख देती हूँ, क्योंकि काम भी करना है उसके साथ जो काम भी करना है। और अर्स मुझे बहुत ही हेल्प कर रहा है, और इस वजह से मुझे थोड़ा राहत भी मिली है अर्स के कारण जो है। और हमारे यहाँ पे दशमी की छुट्टी जो है 10 डेज़ के लिए दिया जाता है, और अभी जो स्कूल नहीं होने के कारण जो है घर पे ही है, मुझे बहुत ही हेल्प मिल रहा है इसके वजह से। और सवेरे जो है अर्श ने ग्रोसरी का सामान भी लेके आया था, उसमें जो है प्याज लहसुन और आलू, और उसके साथ जो है धारा ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल जो है मैं पूजा में यूज़ करती हूँ, और धारा ऑयल जो है मस्टर्ड धारा ऑयल जो है हम लोग खाना बना के खाते हैं। और ये भरा के रख रहा है बॉटल पे,
बिस्किट भी मैरीगोल्ड बिस्कुट में लेती हूँ। मैं रोज़ ब्लैक टी के साथ जो है सवेरे मैरीगोल्ड बिस्कुट ही लेती हूँ, और मैरीगोल्ड बिस्कुट अर्श नहीं खाता है, मैं ही सिर्फ खाती हूँ। और इसके लिए जो है टाइगर बिस्कुट लेके आया, और उसके साथ जो है डेटोल हैंडवाश भी लेके आया था, वो भरा रहा है बॉटल पे। मैंने जो है हाथों का बेल्ट जो शोल्डर इमोबिलाइजर खोल दिया, क्योंकि बहुत ही झंझट हो रहा था काम करने में, और लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ करती हूँ, राइट हैंड यूज़ नहीं करती काम करते वक्त जो है। बेड मिलवाना, डस्टिंग, क्लीनिंग तो ये रोज़ का काम ही होता है, मैं फटाफट कर लेती हूँ। पहले जो बेडरूम जब तक क्लियर ना हो, साफ़ ना हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता काम करने में भी, इसलिए मैं ना ब्रेकफास्ट खाने के तो फ़ौरन बाद जो है काम पे लग गई। और बेडशीट वगैरह सब मिला के रखने से बहुत ही आनंद आता है, और बेडशीट भी कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए ना, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आप लोगों को पसंद आया कि नहीं बोलिएगा। फ्रेंड्स, मैं लेफ्ट हैंड से काम करते करते ना लेफ्ट ही हो गई हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे घर में सभी लोग लेफ्ट ही है, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी लेफ्ट ही है और मेरा बेटा भी लेफ्ट ही है, और लगता है मुझे भी लेफ्ट ही बनना पड़ेगा। ये सीन देख के मुझे इतना हंसी आ रहा है अभी खुद पे। जो भी हो लाइफ में, कुछ भी सिचुएशन आए, मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ, इतनी मुझ में जो हिम्मत आ गई है अंदर से। ये वाला छोटू सा प्लांट जो है मैं बाहर रखी थी बेल्कोनी में, आज मैं इसको अंदर लाई हूँ, इसको मैं अंदर रख दूंगी। कितना क्यूट सा लग रहा है और कितना अच्छा से वाई ग्रीन। इस वाली प्लांट ना मैं पहले गुवाहाटी जाते वक्त इसी तरह से मैंने इसी जगह पे रख के गई थी। मैं आते वक्त ना मैं प्लांट पूरा मर गया था, कितना दुख लगा था, वही उसी पर मैंने वो लगा लिया। कितना अच्छे से हो रहा है, घर को क्लीनिंग करना, डस्टिंग करना, घर को मिला के ढंग से अच्छी तरह से रखना, ये मेरा आदत जो है पहले से ही है, जब मैं छोटी सी थी तब से ही आदत है, मम्मी पापा के घर पे थी, अभी तक ऐसे ही आदत हो रहा है। और एक मुझे अगर एक दिन भी मैं झाड़ू नहीं लगाऊं या पोछा नहीं लगाऊं तो फ्लोर को मुझे मन की शांति नहीं होती है, इस तरह से होती है। और जब मैं मिला के सब क्लीनिंग करके रखती हूँ तो मुझे एक बार जो है मैं पूरे घर को निहार लेती हूँ, बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही खुशी लगती है, मैंने इस तरह से मिलाया घर बोल के। आज मैं लंच में बना रही हूँ इसकी जो है चना और चावल को मैंने भिगो के रखा हुआ था, इसकी जो है पकौड़े बना रही हूँ। इसमें मैंने हाँ राइस बैठा दिया है,
और दाल बनाऊंगी, उसके बाद जो है सब्जी भाजी एक बनाऊंगी। पहले मैं ग्राइंड कर लेती हूँ एक अदरक का टुकड़ा और मिर्च, नमक ग्राइंड कर लेती हूँ। बारेलो और ये भिंडी की जो है थोड़ी सी भाजी बनाऊंगी। इसमें थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, नमक तो पहले डाल चुकी है, अब इसको थोड़ा सा मैं हल्दी डाल लेती हूँ कलर के लिए, हल्दी थोड़ा सा। लाल मिर्च, हल्दी, नमक जो है स्वाद अनुसार, और अभी यहाँ मैं दाल बना रही हूँ। दाल में जो सब्जियाँ जितने भी थी कट करके मैंने ऐड किया और उसके ऊपर जो हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और एक चम्मच घी डाल के बॉईल कर लेती हूँ सबसे पहले, बाद में इसको छौंक लगाऊंगी। और डिनर में बना रही हूँ स्पेशल सी वेज मैगी, और मैगी के लिए मैंने ऑयल गर्म होते ही ऊपर से सूखी लाल मिर्च डाला और उसके ऊपर जो है मटर और कॉर्न, ग्रीन मटर और कॉर्न, उसके ऊपर जो है कैप्सिकम को मैंने डाल के फ्राई कर लिया थोड़ी देर, और फ्राई करने के बाद जो है ऊपर से पानी ऐड कर लेती हूँ। पानी ऐड करके नमक जो है स्वाद अनुसार डाल के, और 3 पैकेट मैगी जो मैंने बना लिया क्योंकि अर्श को मैगी बहुत पसंद है, वो बहुत ज़्यादा खाता है।
सो गाइज आज का ब्लॉग मैं इतने में एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।